जवाब सही देती थी वो 100 में सिर्फ 40 नंबर ही ला पाई। उसके नंबरों को देखकर कनिका मैम हैरान थी, तो उन्होंने गरिमा को अपने पास बुलाया। गरिमा ये क्या है बच्चे, तुम्हें तो हर सवाल का जवाब पता होता था, फिर परीक्षा में क्या हुआ इतने कम नंबर? सॉरी मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा। देखो तुम रो मत, मुझे बताओ क्या दिक्कत है, तुमने पढ़ाई नहीं की थी क्या? मैडम जी पढ़ाई तो बहुत की थी, मुझे पढ़ना भी पसंद है, लेकिन लेकिन क्या? मैडम मुझे ये जुए पढ़ने नहीं देती, मेरे सिर में बहुत सारे जुए हैं, इसी वजह से मैं सारा दिन अपना सिर खुजलाती रहती हूँ, और जुओं की वजह से ही कोई बच्चा मुझसे बात नहीं करता है और न ही कोई मेरे साथ बैठता है, सारा दिन वो लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। गरिमा की बात सुनकर कनिका मैम ने पहली बार उसके सिर को ध्यान से देखा तो उन्होंने भी महसूस किया कि वाकई गरिमा के सिर में बहुत सारी जुए थी और साफ साफ दिखाई दे रही थी। तुम परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, और हाँ कल अपने मम्मी पापा को अपने साथ यहाँ स्कूल लेकर आना। ठीक है मैडम जी। अगले दिन गरिमा अपने माता पिता को स्कूल लेकर आई। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते जी, मैंने आप दोनों को गरिमा के बारे में कुछ बात करने के लिए बुलाया है। देखिए आपकी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन फिर भी उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, वो बस जैसे तैसे पास ही हो रही है। जी हाँ मैडम जी, गरिमा ने बताया हमें, वो बेचारी अपने सिर के जुओं से बहुत परेशान है। गरिमा ने हमें बताया था कि वो सारा वक्त अपने सिर में खुजली करती रह गई और उतने में पेपर का समय पूरा हो गया, जबकि उसे सब आता था पर फिर भी वो सब कुछ नहीं लिख पाई। हाँ तो यही तो मैं आप दोनों से कहना चाहती हूँ कि गरिमा को अपने सिर की सफाई रखनी चाहिए और आप दोनों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। नहीं मैडम जी, बात वो नहीं है, वो अपना सिर साफ रखती है, रोज नहाती भी है, पर जुएं उसके सिर से जाते ही नहीं, उसकी इस बीमारी से तो हम बहुत